हेलो गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पार्ट्स वाला। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि फेज 7 की रिजल्ट आ चुकी है। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट शाम को 6 बजे तक आ जाएगी, तो बिल्कुल 6 बजे के बाद रिजल्ट दे दी गई है। तो ऑलरेडी हमने 10+2 लेवल का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप वो देख सकते हैं और डिटेल एनालिसिस हम लोग आपके रात को लेके आएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो एनालिसिस होगा उसे करेंगे और कैसे आप रिजल्ट देख सकते हैं क्या, वो सारे डिटेल्स देंगे। तो पहले आप SSC वेबसाइट ओपन कीजिएगा। ओपन करके आप अदर रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अदर सेक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट पहली नंबर मेंशन की गई है। तो इसे क्लिक करके आप आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ के आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे PDF दी गई है, जहाँ पे राइटअप और रिजल्ट दी गई है। तो पहले आप राइटअप पे क्लिक कर लीजिएगा कि आप देख सकेंगे क्या कटअप गई है क्या नहीं गई है, आप वो देख सकते हैं। तो मैं राइटअप को पहले डाउनलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि राइटअप डाउनलोड हो गई है। तो यहाँ पे दी गई है कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा ज़रा, तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि इस PDF में ऑलरेडी मैं आपको ओवरव्यू से बता दे रहा हूँ कि 50,646 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो उसके बाद जो नीचे में कुछ पॉइंट दी गई है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की गई है, तो ये भी मेंशन की गई है। तो आपका जो डाउट था नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं, भी बता दी गई है। इसके बाद जो बेसिक मार्क्स थे, कितना नंबर तो रहना ही चाहिए आपका कम से कम क्वालिफाई करने के लिए, तो वो भी मेंशन कर दी गई है। इसके अलावा मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर जो पहले ही बता हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर 5 वैकेंसी रहती है तो 5 वैकेंसी रहने से आपको 1:20 रेशियो में क्वालिफाई यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद और भी यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दी गई, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि जो कट ऑफ यहाँ पे जो EWS से जितने बंदे क्वालिफाई किए हैं, 474, SC से 1411, ST से 803, ESM से 154, OH से 47, HS से 37, OBC से 2312, BH से 10, उसके बाद टोटल 5,572 लड़के क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से माफ़ कीजिएगा, जनरल में इतने क्वालिफाई किए, टोटल 10,817 बंदे क्वालिफाई किए, जिसमें से जो स्टार मार्कर के दी गई इतने लड़के जनरल से भी क्वालिफाई किए हैं जो इस सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में जा नहीं रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। उसके बाद डिटेल एनालिसिस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की गई है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के संग हार्ड कॉपी भेजना होगा अगर आपकी एग्जामिनेशन सिंगल स्टेज थी। तो आपको अगर सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन नहीं भी थी तब भी यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, अगर स्किल सेट, अगर वहाँ पे स्किल टेस्ट भी है तो। तो आपको डिपार्टमेंट को ये सारे ही डिटेल्स भेजना। मैं ये सारे ही आपका डिटेल्स अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो आपको 13 मार्च तक भेज देनी है बाय स्पीड पोस्ट, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दी गई इन अ हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द रीजनल एंड सब रीजनल ऑफिस। तो आपको रीजनल, जिस डिपार्टमेंट के अप्लाई किया, रीजनल सब रीजनल दोनों में आप कहीं भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजनी होगी। इसके बाद यहाँ पे कुछ और बातें दी गई है, तो उतना मैं नहीं जाता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट पहले कि आपको यहाँ का जो कटअप गया मैं वो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो कटअप बनी है लगभग 84, 79, 109, 126, तो लगभग 120-130 के अंदर मैक्सिमम कटअप यही बनी है। तो ये सारी लिस्ट आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके मन में डाउट हो कि कैसे आपको रोल नंबर देखना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बगल में आपको रिजल्ट की ऑप्शन दी गई, तो आप इसको जैसे क्लिक कीजिएगा वहाँ पे आपको रिजल्ट पे क्लिक करने से आपको रोल या जो PDF डाउनलोड हो जाएगी रोल नंबर पे, आप यहाँ से रोल नंबर चेक कर सकते हैं कि आप क्वालिफाई किए हैं कि नहीं किए। तो यही था आज का अपडेट। इसके अलावा जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। हम लोग फुल डिटेल एनालिसिस, कैसे अप्लाई करना, कैसे हार्ड कॉपी, क्या भेजना, क्या तरीका भेजने का, क्या नहीं, वो सारा ही डिटेल्स हम लोग अपने एक वीडियो में लेकर आएंगे, आप सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।